अस्सलामु अलैकुम। रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अलग टाइप से आपको साबुदाना वड़ा बनाना दिखा रही हूँ। ना इसे मैंने इसे भिगोया है, ना ही मुझे आलू उबालना है। अब मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। ये मैंने एक कप साबुदाना लिया है, ये देखो एक कप साबुदाना लिया है। अब मैं इसे भून लूँगी। ये देखो मैंने कढ़ाई में साबुदाना डाला है, अब हम इसे भून लेंगे। अच्छे से इसे पूरा ब्राउन नहीं भूनना है, थोड़ा सा हमें इसे भूनना है, मतलब इसका कच्चापन चला जाता है। अच्छे से 5 मिनट हम इसे भून लेंगे। ये देखो 5 मिनट मैंने अच्छे से इसे भून लिया है, हमें इसे ब्राउन वगैरह ऐसे कुछ करने नहीं है। ये देखो ये हो गया हमारा। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूँ। ये देखो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, ये बहुत गर्म है, इसे हमें पीसना है। अब हम इसे पूरा ठंडा होने देंगे, फिर इसे पीस लेंगे। देखो मिक्सी जार में मैंने इसे, ये मेरा साबुदाना ठंडा हो गया, मिक्सी जार में डाला है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखो इसे मैंने पीस लिया है, अच्छे से पीस लिया है इसे। थोड़ा दरदरा है, दोबारा हमको इसे पीसना है तो हो जाएगा ये। इसके साथ ही मैंने ये 2 आलू लिए, इसे मैंने उबाले नहीं है, इसे इसके छिलके निकाल कर इसे कट किया है और पानी में रखा है ताकि ये काले ना हो जाए। और ये मैंने 3 हरी मिर्च ली है। अब हमें ये हरी मिर्च और ये आलू इसे भी पीस लेना है। ये देखो मैंने आलू और हरी मिर्च को पीस लिया है। अब हम इसे और इसे, अगर आपके पास मिक्सी जार बड़ा होगा तो आप पूरा डालकर पीस सकते हो, पर मेरा मिक्सी जार छोटा है तो मैं इसको आधा आधा करके ये दोनों एक साथ पीस लूँगी। ये देखो इसे मैंने पीस लिया है। हम जैसे पकौड़े को करते हैं सेम वैसे ही पानी डालकर हमें इसे पीसना है। अब मैंने लिया है ये हरा धनिया लिया है, ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और ये 1/2 टीस्पून सेंधा नमक लिया है। आप नॉर्मल व्हाइट नमक भी ले सकते हो, ये मेरे पास था और ये अच्छा भी रहता है इसलिए मैंने ये लिया है। अब हम ये पूरा इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखो इसे हमने अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है, पकौड़े के जैसा बैटर किया है। अब हम इसे चम्मच से नहीं डालेंगे, हाथ से ही डालेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा लेकर इसके अंदर डालती हूँ। ये देखो मैंने डाल दिए हैं। आप बोलोगे ऐसा फेस वगैरह क्यों आया है, तो इससे पहले मैंने इसी तेल में दूसरे पकोड़े तल लिए थे, इसीलिए उसी तेल में मैं ये वाले भी पकोड़े तल रही हूँ। आप ताज़ा वाला तेल भी यूज़ कर सकते हो, ये मेरे पास था तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखो ये कितने अच्छे से हो गए। गोल्डन ब्राउन करना है इसे। ये देखो अब हम इसे निकाल लेंगे, ये हमारे हो गए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखो ये हमारे हो गए। अब मैं और बना लेती हूँ। ये देखो ये बन गए हमारे साबुदाने वड़े। इसके साथ ही मैंने ये कोकोनट चटनी बनाई है जो आपके उपवास के लिए भी ये चलती है। आपके श्रावण महीना है या श्रावण महीना शायद चालू होने वाला है, ऐसा कुछ तो है, इसके लिए आप ये साबुदाना वड़ा ये कोकोनट चटनी आपके उपवास के लिए आप ज़रूर बना के खाना। क्योंकि कोई बुजुर्ग रहता है आपके उपवास रखते हैं, उनको खिचड़ी वगैरह खाने में तकलीफ होती है दांत के लिए, तो अगर आप और साबुदाना वड़ा वो पूरा साबुदाना रहता है उससे भी कुछ कुछ मतलब किसी किसी को तकलीफ होती है, बुजुर्ग लोगों को छोटे बच्चों को रहता है, तो ये अगर आप पीस कर बनाएंगे ना साबुदाना वड़ा तो ये बहुत अच्छा बनता है। देखो मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ।
देखो अंदर से देखो अब, और बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इसे सच में ट्राई करना, दांत को मतलब कुछ तकलीफ भी नहीं होती और आराम से अलग डिश हो जाती है। बारिश का मौसम है, आप ये मौसम में भी खा सकते हो। उपवास है तो आप उपवास में भी ये खा सकते हो। कुछ कुछ लोग मतलब भूल जाते हैं साबुदाना भिगाने के लिए, फिर खिचड़ी कैसे बनाएंगे क्या, तो ये इसको तो साबुदाना भिगाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इसको भूनना है और पीसना है, ना आलू उबालना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको पीस कर ही सिर्फ बनाना है। तो आप ये ज़रूर बनाना, आपके उपवास के लिए कुछ अलग सा ये चीज़ है बनाना, और कमेंट करके मुझे बताना कैसा बना है कैसा नहीं। ट्राई करना आप, देखना और मुझे बताना। फिर मेरी अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक कोकोनट चटनी ना मैं इसके साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ये आप देख लेना, बहुत अच्छी लगती है ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय।